हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम शेयर करेंगे सदाबहार की कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं। ये वही सदाबहार है जिसका वीडियो हमने एक महीने पहले बनाया था। एक महीने पहले हमने इसकी कटिंग की थी। अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है। हम अपने सभी प्लांटों में सब्जी के छिलके की खाद डालते हैं। हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने बताया है कि किस तरह से हम छिलके की खाद गमले में डाल सकते हैं। 1.5 से 2 इंच मिट्टी हटा लें और उसके अंदर आप सब्जी के जो भी छिलके हैं वो छुपा दें। और ये प्रोसेस आपको 1 से 1.5 महीने में करना है और बाकी कोई भी खाद आपको नहीं यूज़ करनी है। इस तरह से देखिए आप कितने सारे हमारे प्लांट में फ्लावर आए हुए हैं। इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, ना ही कोई हमें दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। सुबह से शाम तक इसमें धूप लगती है तो इस वजह से इसकी कलियाँ जो हैं वो खिलने से पहले ही जल जाती हैं। तो आप इन कलियों को इस तरह से तोड़ दें जिससे इनकी जो भी एनर्जी है वो प्लांट को और पत्तियों को मिलती रहे, जिससे ये जब फूल आएँ तो इसमें बहुत ही अच्छा फूल आए। तो इस तरह से आप जली हुई जो कलियां हैं इनको आप तोड़ दें तो काफ़ी पत्तियां पीली भी हो गई हैं। जो पत्तियां पीली हो गई हैं उन्हें भी आप इस तरह से हटा दें और पानी इसमें आप एक टाइम ज़रूर डालें। धूप बहुत हो रही है इस समय तो ये सारी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। इसमें जो भी कलियाँ आ रही हैं, जो भी फ्लावर्स आ रहे हैं, इन्हें आप हटा दें। ये देखिए धूप की वजह से फ्लावर नहीं खिल पा रहे हैं, इतने ज़रा ज़रा से फ्लावर होके ही ये जल जाते हैं। तो इन्हें भी आप हटा दें, इनकी एनर्जी जो भी है प्लांट को मिलेगी और इनकी पत्तियों को मिलेगी। आइए हम देख लेते हैं कि हमें सदाबहार की कटिंग किस तरह की लेनी चाहिए। तो ये जो ऊपर की कटिंग होती है ये हमें नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत सॉफ्ट होती है, ये ग्रो नहीं करेगी अच्छा। तो ये जो टाइट होती हैं, जो नीचे की जो पुरानी टहनियाँ होती हैं, इनको हमें कटिंग के लिए लेनी चाहिए। इस तरह की ज़्यादा ऊपर से जब हम लेते हैं ये, तो ये जल्दी ग्रो नहीं करती हैं, कभी कभी बिल्कुल भी ये ग्रो करती ही नहीं है, सूख जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। सदाबहार ही नहीं, कोई भी आपके पास प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है तो उसकी आप कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद देखेंगे आप बहुत ही उसमें फ्लावरिंग होगी, भर भर के फूल आएंगे। तो आइए अब हम कटिंग लगा लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम कटिंग लगाने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी चाहिए। इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी ना लें, हल्की सी नमी होनी चाहिए मिट्टी में। ये हमने कटिंग ली है तो कटिंग हमें नीचे साइड की ही लेनी चाहिए। ऊपर की जो कटिंग होती है इसमें रूट्स नहीं आती हैं और ये ग्रो नहीं करती है, तो हमें नीचे साइड की ही कटिंग लेनी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ये 5 से 6 इंच तक हम ले लेंगे इस तरह से। और इसको कुछ हल्का सा हम इस तरह से तिरछा काटेंगे। और 1 और 2, ये 2 हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और हल्का सा इसको इस तरह से पुश कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बस हल्की सी हमें नमी बनाए रखनी है। और इसे हम 10 से 12 दिन में धूप में नहीं रखेंगे, इसको कमरे में भी नहीं रखना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ खुला हो और 1 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह पर हमें इसको रखना है। अगर इस तरह की बोतल में अगर आप भी लगा रहे हैं तो इसको इस तरह से चाकू से कट कर दें, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, 2-3 कट लगा दें। आप अगर इस तरह की बोतल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ये नीचे
सुराग होता है तो इससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और इस तरह की बोतल ले सकते हैं आप, इसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। 10 से 12 दिन में इसमें रूट्स आ जाएंगी, फिर आप इसे, ये बहुत ही छोटे पॉट में लग जाता है, बहुत ही कम मिट्टी में ये तैयार हो जाता है, तो आप चाहें तो इसी में लगा रखें। हमारे कई प्लांट्स हमने इस तरह की बोतल में ही लगाए हुए हैं। ये बीज से थोड़ा लेट तैयार होते हैं और ये कटिंग से बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, हमने बोतल में सदाबहार के प्लांट तैयार किए हुए हैं जो इस समय फ्लावरिंग दे रहे हैं। ये देखिए, सदाबहार के प्लांट हमने इतनी छोटी बोतल में लगा रखे हैं। ये बहुत ही कम मिट्टी में तैयार हो जाते हैं, बहुत ही छोटे पॉट में तैयार हो जाते हैं, तो आप भी इन्हें लगा सकते हैं। आपको हमारा कटिंग लगाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।